स्टार्टिंग में जरूर। मेरा नाम अब्दुल जलील है और मेरे अब्बूजान का नाम कमर अहमद है। क्या है? कमर अहमद। मैं जानता हूँ वहाँ। अगर आप मुझे इजाज़त है, मेरे तीन सवाल हैं। तीन सवाल? माशाल्लाह। तो यहाँ क्या हुआ, चोट कब लगी थी यहाँ? बचपन की है। बचपन से? अच्छा, शरारतें कर रहे थे? पता नहीं। याद नहीं। वो हजूर, पहला मेरा ये सवाल है कि इस्लाम में फहूटों की इजाज़त है या नहीं? किसकी? कंडोम्स इस्तेमाल करने की? जी। ये आपको क्या सूझी है? नहीं, वो ये क्योंकि यहाँ स्कूल में हमें यही कहा जाता है कि तीसरी दुनिया की ये प्रॉब्लम है कि उधर आबादी बहुत जल्दी बढ़ रही है। बात ये है कि मैं इस मसले पर पहले कई दफ़ा रोशनी डाल चुका हूँ। कुरान करीम ने बर्थ कंट्रोल वो बहसियत मजमूई मना नहीं फरमाया जी, लेकिन एक वजह से मना फरमाया है वाज़े तौर पर, और वो है रिज्क की कमी का ख़तरा। ला तख्तलु औलादकुम मिन खशियत इमलाक। हाँ जी, इमलाक के डर से यानी फाका कशी या रिज्क की कमी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। अब कत्ल इस तरह तो हमने कभी नहीं किसी को देखा कि रोटी कम हो गई है, दो चार बच्चे ज़बह कर दिए। यहाँ मुराद यही है कि अपनी औलाद की पैदाइश को प्रिवेंट ना करो, क्योंकि उसका नाम भी कत्ल औलाद ही है। इस लिहाज से और भी माने होंगे लेकिन हैं मौजूद, लेकिन एक ये माना भी है, इसलिए इस गरज से इजाज़त है। इस गरज से इजाज़त नहीं है अगर रिज़्क की कमी या फाका कशी के खौफ से कोई शख्स बर्थ कंट्रोल करे तो उसकी इजाज़त नहीं है। और वजूहात हैं, बीवी की सेहत का तकाजा है, या और वैलिड वजूहात हैं, डॉक्टर मशवरा देता है, तो ऐसी सूरत में बर्थ कंट्रोल करना मना नहीं। फिर तरबियती मसाइल हैं, मसलन कुरान करीम ने जो उम्र बयान फरमाई है एक बच्चे का हक माँ पर, वो तकरीबन 30 महीने बनता है, 2.5 साल। इसका मतलब है कि बच्चे आपस में कम से कम 2-2.5 साल का फासला हो तो ये मुनासिब है, कम फासले हों तो ये भी कत्ल औलाद बन जाता है, क्योंकि उनकी तरबियत में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, उनके हकूक़ अदा नहीं हो सकते। तो बाज़ माकूल वजूहात की बिना पर जिनका शरी जवाज़ हो, बर्थ कंट्रोल मना नहीं है। लेकिन ये जो आजकल कहते हैं ना कि रोटी कम हो जाएगी, ये इसको खुदा ताला रद्द करता है, क्योंकि ये खुदा ताला की तख्लीकी प्लान, उसके निज़ाम तख्लीक पर हमला है।